अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। हसबे मामूल पहले हम चंद बातें करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला अमली तौर पर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर देंगे। तो आज की बात, मेरे पास एक ये गूगल कंपनी की ऑफिशियल एक ऐप है क्रॉस हूपर के नाम से। तो इसमें आप प्रोग्रामिंग को खेल ही खेल में सीख लेते हैं। तो इस ऐप को हम चलाकर देखते हैं। और इस ऐप की अच्छी बात यह है कि ये मैंने नोट किया है कि इंटरनेट के बगैर भी चल रही है। और दूसरी बात यह है कि दो जो मेजर प्लेटफॉर्म हैं मोबाइल के, एंड्रॉयड और एप्पल आईफोन, तो ये दोनों के लिए मौजूद है। और ये गूगल कंपनी की बनी हुई ऐप है, तो बहुत ज़बरदस्त है। इसको मैं ऐप को ओपन करता हूँ, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब आप इसको पहली दफ़ा चलाएंगे तो ये आपसे कुछ सवाल पूछेगी कि मसलन आपका लेवल कौन सा है, बिल्कुल आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है या थोड़ी बहुत आती है, तो उसके बाद ये स्टार्ट कर देगा। तो एक थोड़ी सी मनफी इसकी बात है कि ये अंग्रेज़ी में है, लेकिन आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इसको सीख सकते हैं। फिर ये आपको पॉइंट्स देता है, जिस तरह के ये मेरे इसके 43 पॉइंट्स ऊपर आ रहे हैं, तो आखिर में ये आपको कोर्स का सर्टिफिकेट भी दे सकता है। तो जिस तरह का आप शुरू में इसको चीज़ें मुंतखब करते हैं, उसकी बुनियाद पे ये आपका लेसन प्लान बनाता है कि आपको क्या क्या सीखना है। तो मसलन ये मैं अभी लेसन कर चुका हूँ, टिक लगे हुए हैं, लेकिन इसको मैं दोबारा आपके लिए खोलता हूँ एक लेसन, ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो इसके ऐप की समझ आ जाएगी। तो इसको जैसे मैंने रन करता हूँ, अब शुरू में इन्होंने डिस्क्रिप्शन कुछ लिखी हुई है कि ये कोई फंक्शन है, बहरहाल इसकी तफसील में मैं नहीं जाता। इसको मैं जल्दी जल्दी रन करता हूँ आपको सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट पज़ल पे करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ खुद से कि ये कर रहा है क्या है, कि ये ऊपर कह रहा है कि इस तरह का फ्लैग आपने बनाना है, और आधा फ्लैग इन्होंने बनाया है, और नीचे ये आपके लिए कोड के लिए जगह आ रही है। तो यूअर कोड में देखें, ड्रॉप बॉक्स, ये ड्रॉप बॉक्स के फंक्शन है, और इसके ब्रैकेट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे ब्लू लिखा है तो ये हमारे वाले जो यूअर सॉल्यूशन में ब्लू आ गया है। यहाँ पे हमने सेकंड लाइन में ड्रॉप बॉक्स वाइट लिखा है, वाइट आ गया, फिर ड्रॉप बॉक्स रेड रेड आ गया, तो न्यू लाइन पे नेक्स्ट लाइन पे आ गया। और उसके बाद ये फिर हमें ब्लू वाइट और रेड ये करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जो नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये, क्योंकि अभी सिखा रहा है ना, तो हाईलाइट भी कर रहा है कि इस पर आपने क्लिक करना है। और पैरामीटर में हमें पहले, बल्कि ये थोड़ा सा सिखा रहा है कि ब्लू आपने सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे मैंने टैप किया नेक्स्ट लाइन पे और ड्रॉ बॉक्स किया, और अभी इसको वाइट सेलेक्ट किया, फिर मैंने ड्रॉ बॉक्स किया और रेड कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए प्ले का बटन एक आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसको अब रन कर रहा है, और ये फिर मुझे बता देगा ठीक ठाक क्या है। तो इस तरह बहुत ये मुझे ज़बरदस्त लगी है ऐप। तो आप इसको सीखने के लिए, इस तरह प्रोग्रामिंग की इंटरेक्टिव है, काफ़ी गेम्स की टाइप की है, तो इसको देखें। तो ये तो चले थोड़ी सी बात हो गई, और थोड़ी सी बात में भी 3-4 मिनट लग गुजर गए। तो चले हम अपने मेन जो हम अमली तौर पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उसकी तरफ आते हैं। तो ये हमारी ऐप स्टार्ट हो रही है, ए कोड के नाम से ऐप है। और अगर आपने ये ऐप इंस्टॉल नहीं की हुई और हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई, तो आप ज़रूर वीडियोस देखें, क्योंकि एक हम सीक्वेंस में चल रहे हैं और इसमें हमारा मेन टारगेट मकसद ये है कि हम प्रोग्रामिंग सीखें। तो इसमें जो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं वो इस्तेमाल करें, वो जावास्क्रिप्ट है। हमारी कोशिश है कि हम जो लैंग्वेज है उसकी कम से कम चीज़ें सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग सीखें। तो इसलिए हमारा कोड आप देखेंगे कि कोशिश होगी कि बहुत कम से कम होगा, और इसको फिर सीखने में भी आसानी होती है। तो ये हमने पिछली दफ़ा किया था, और इसमें हमने देखा था कि आपका वेरिएबल एक स्टोरेज होती है, और उसमें हम आर्जी तौर पे कुछ उसमें स्टोर कर सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। और आज थोड़ा सा हम इसके फिर देखते हैं वेरिएबल्स के बारे में, और थोड़ा सा आउटपुट के हवाले से। और आपने ये नोट किया होगा कि अभी तक हम मेन जो प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं उसकी तरफ हम अभी तक नहीं आए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी आउटपुट जो है वो बहुत अहम चीज़ होती है। तो आपकी आउटपुट के ऊपर ग्रिप होगी तो फिर आप प्रोग्रामिंग सही कर सकेंगे। तो कौन कौन सी भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप उसमें जो इनपुट और आउटपुट की चीज़ें हैं उसको अच्छी तरीके से सीखें, क्योंकि फिर आप उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वेरिएबल्स हमने कुछ बनाए थे,
तो अभी मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट जो है वो और उसमें आपको चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि ये लाइंस मैं कुछ इसमें ख़त्म कर रहा हूँ और वेरिएबल जिस तरह अभी इसमें मैं वैल्यू 1 स्टोर कर रहा हूँ, VAR1, तो वेरिएबल के नाम में एक थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए कि वो आपका अल्फ़ाबेट्स यानी ABC उससे शुरू होना चाहिए, फिर आगे आप उसमें 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं उसके साथ, और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी डाल सकते हैं जैसे कि अंडरस्कोर है। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल है उसको इसी की लाइन को हम डुप्लीकेट कर देते हैं, फिर कोड आखिर में हमारा फाइनल हो जाएगा। अभी ये कोड इनवैलिड होगा, लेकिन जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमें एक ये नीचे जो बार आ रही है यहाँ पे इसके कोड की लाइन को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, जैसे ये राइट साइड पे एरो नीचे की तरफ और उसके साथ सी लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये इसकी कॉपी उसने कर दी। तो यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ और ये वेरिएबल का नाम जो है इसको भी मैंने 2 कर दिया है। तो नीचे वाला जो कोड है अभी मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ये फालतू जो कोड है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स का थोड़ा सा हम सीखना चाह रहे हैं कि जिस तरह आप एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरह आप वेरिएबल्स के साथ कैलकुलेशन वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ भी। तो अभी हम वेरिएबल के साथ कर रहे हैं, एक और हम वेरिएबल बना रहे हैं VAR3, या इसको हम नाम इसका थोड़ा सा प्रॉपर रख लेते हैं, RESULT रिज़ल्ट, ठीक है। अच्छा, और आप ये बात नोट करें कि हम इक्वल के दाएं बाएं स्पेस खुद से दे रहे हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये कोड जो है वो रीडेबल हो जाता है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं कि आप इक्वल के दाएं बाएं एक स्पेस छोड़ दें। तो इसमें देखें जिस तरह हम इक्वेशन लिखते हैं उस तरह हम बिल्कुल इसको लिख सकते हैं VAR1 प्लस VAR2। देखिए ये साथ में पॉपअप सा भी आ रहा है, इसमें आप लिख सकते हैं। तो अब हम जो राइट वाली लाइन है इसमें हम सिर्फ रिजल्ट जो है वो लिखेंगे, तो उसमें क्योंकि वेरिएबल का नाम रिजल्ट है RE, बल्कि ये पॉपअप आ भी गया तो इसमें हमने मुंतखब कर दिया, तो बाकी ये लाइंस जो हैं वो अभी हमारे काम की नहीं है, तो इनको हम वापस इनको इसको यहाँ से निकाल देते हैं लाइंस को। तो इसको अभी मैं पहले सेव करता हूँ, सेव का ये नीचे जो बार है इसमें एक ये बटन आ रहा है जिस पे मैंने क्लिक करके सेव कर दिया है, और इसको अभी मैं रन करता हूँ। तो इसका जवाब आपको देख के भी थोड़ी सी समझ आ रही होगी कि VAR1 में 1 वैल्यू है, VAR2 में 2 है, तो ये 3 आना चाहिए रिजल्ट। तो इसको हम रन करते हैं, इन ऐप ही करते हैं हम रन, तो 3 आ रहा है। तो ये देखें सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन जिस तरह है वो उसने हल कर दिया। इसी तरह आप माइनस मल्टीप्लाई और ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको डिस्प्ले के हवाले से और चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि डिस्प्ले का जैसे मैंने बताया है कि एक अहम किरदार है, तो इस वजह से मैं उसमें चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ। जैसे देखें अभी हम अपनी आउटपुट को और बेहतर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 आ रहा है जबकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट इज इक्वल टू 3। तो इसका एक आसान हल तो यह है कि इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और ऊपर वाली लाइन में मैं कोटेशन के अंदर, जैसे कि अब हमें स्ट्रिंग चाहिए तो कोटेशन के अंदर मैं लिखता हूँ कि RESU रिजल्ट और स्पेस दी, और क्योंकि स्पेस इक्वल साइन के राइट लेफ्ट हो तो ये देखने में अच्छा लगता है, और आखिर में भी एक स्पेस देंगे और जहाँ पे ये कोटेशन ख़त्म हो रही है इसके बाद फिर आगे रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम रन करते हैं, सेव भी कर लेना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास रिजल्ट इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जो हमने जो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कोटेशन के अंदर जो रिजल्ट इज इक्वल टू लिखा है, तो ये कोटेशन के अंदर जो होता है वो एज इट इज़ यानी जैसे कि हमने लिखा हुआ है वैसे ही आता है, और उसमें हम ये पहले भी बता चुके हैं कि
स्पेसेस का एक है इशू इसमें HTML में, कि वो स्पेस एक ही काउंट होती है, अगर आपने ज़्यादा स्पेसेस दिए हैं तो वो डिस्प्ले में नहीं आएंगे। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको कि हम एक स्पेशल कोड है एंड साइन NBSP और सेमी कॉलन, अगर एक से ज़्यादा स्पेसेस देनी है तो फिर हम ये कोड इस्तेमाल करते हैं। और जब आप आउटपुट चाहते हैं नई लाइन पे आए, तो उसके लिए हम लेस देन साइन BR और फिर ग्रेटर देन साइन एंकल ब्रैकेट के अंदर ये हम BR का टैग लिखते हैं। तो बेसिकली जो भी हम यहाँ पे राइट करवा रहे हैं ये हम आउटपुट HTML में हम शो करवा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमें HTML लिखनी चाहिए, या सिंपल हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो भी ऐसे ही डिस्प्ले हो जाता है। इसी तरह आप एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाएं और उसको नाम डॉट टेक्स्ट के बजाय HTML कर दें, यानी HTML फाइल कर दें, तो आप देखेंगे उसको फाइल को अगर आप ब्राउज़र में खोलेंगे तो वो टेक्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा। तो फिर उसमें स्पेशल चीज़ ये हो जाती है कि कुछ आपको चाहते होते हैं कि टेक्स्ट जो है वो हेडिंग की तरह नज़र आए, कुछ तस्वीरें नज़र आएँ, तो इस तरह के फिर आप वो टैग्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलें, अच्छा अभी देखें, अभी हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो क्योंकि ये मैं साथ साथ आपको चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्प्ले के हवाले से पहले आसान तरीके से सिखाऊं तो फिर थोड़ा सा बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे अभी हमने प्लस के, हमने देखा है कि यहाँ पे प्लस का साइन से उसने वेरिएबल की वैल्यूज़ 1 और वेरिएबल की वैल्यू 2 को आपस में प्लस करके उसका रिजल्ट जनरेट किया है, और वो फिर इक्वल की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर दिया है। इक्वल की राइट साइड पे कोई भी वेरिएबल होगा, कोई वैल्यू होगी या कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। जैसे इस लाइन में ये राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन है और उसमें दो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं। तो प्लस का जो साइन है, ऑपरेटर है, ये एक काम और भी करता है, इसको हम बोलते हैं कंकेटिनेशन, यानी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, या एक स्ट्रिंग है एक वेरिएबल है, या दो वेरिएबल्स हैं उनको और एक स्ट्रिंग है साथ। तो ये हम अभी करके देखते हैं। तो ये जो हमने कोड दो लाइनों में लिखा हुआ है, इसको जैसे कि मैंने बताया है कि इसको हम एक लाइन में लिखना चाहते हैं, तो ये कि बाज़ुकात आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपको एक लाइन में लिखना पड़ जाता है। तो वैसे तो आसान तो ये है कि दो लाइनों में ही आप लिखें, लेकिन जब आपको एक लाइनों में लिखना पड़ जाए, या आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंकेटिनेशन होती कैसे है, तो ज़्यादा बेहतर फिर इस तरह लगता है कि रिज़ल्ट से आगे रिज़ल्ट लिखा हो। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन डालेंगे और यहाँ पे हम रिज़ल्ट लिख देंगे। तो ऐसा हमने हटा दिया क्योंकि वेरिएबल का नाम रिज़ल्ट है। तो इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का साइन जो है वो कंकेटिनेशन कर रहा है, यानी कि मैथमेटिकली प्लस नहीं करेगा, उसको जोड़ देगा। स्ट्रिंग जहाँ तक रिजल्ट इज इक्वल टू है वहाँ तक वो उसको लिखेगा, और फिर आगे वाले जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि ये कोटेशन के अंदर जो चीज़ लिखी आती है ये एज इट इज़ आती है। तो यहाँ पे आगे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट लिखा हुआ नहीं आया है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये एक वेरिएबल का नाम है, तो वेरिएबल के अंदर जो स्टोर होगा वो आपको डिस्प्ले में नज़र आएगा। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ जाएँ। और हम एक और काम भी इसमें कर सकते हैं, आपको मैं चलें नोट करवाता हूँ, क्योंकि ये गलती भी हो सकती है, क्योंकि जब ये कंकेटिनेशन वाला काम कर रहा है तो फिर ये मैथमेटिकली जो प्लस कर रहे थे वो वाला काम ये नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस के भी दाएं बाएं स्पेसेस मैं खुद दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये कोड फिर पढ़ने में आसान हो जाता है। तो ठीक है, मैंने लिख लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल टू VAR1 प्लस VAR2। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये VAR1 प्लस VAR2 ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो ये वाला प्लस है इसकी लेफ्ट साइड पे स्ट्रिंग है, तो ये हम देखेंगे कि ये इनकी वैल्यूज़ एज इट इज़ 1 और 2 लिखी हुई आ गई है, ना कि 3 लिखा हुआ है प्लस होके। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो राइट का फंक्शन है ये एक्सप्रेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकता है? नहीं, ये कर सकता है, लेकिन जब इसमें स्ट्रिंग आएगी साथ कंकेटिनेशन में, तो फिर ये कंकेटिनेशन अगले जो वेरिएबल्स हैं उनको भी कंकेटिनेट करेगा। तो अगर हम ये निकाल दें, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग है उसको निकाल दिया है, तो अब हम देखते हैं अब ये क्या करेगा, अब ये 1 2 आएगा या 3 आएगा। तो यहाँ पे फिर हमें ये बात समझ आती है कि जब
एक्सप्रेशन अकेली हो और उसमें कोई स्ट्रिंग ना हो, तो फिर ये वही कैलकुलेशन वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे फिर आप ये बात नोट कर लें कि जो प्लस का साइन है ये दो काम कर रहा है। एक काम ये कर रहा है कि सिंपल जिस तरह प्लस हम करते हैं या माइनस करते हैं वो काम कर रहा है, और दूसरा ये है कि दो स्ट्रिंग्स को या साथ में वेरिएबल्स हैं उनको जोड़ने का काम भी कर रहा है। तो आपकी प्रोग्रामिंग तभी अच्छी हो सकती है जब ये छोटी चीज़ें, इस पे आपकी ग्रिप होगी। और ये आपने अब करना है इस तरह है कि जिस तरह ये मैंने एक प्लस का प्रोग्राम बनाया है, छोटा सा प्रोग्राम है, आपने एक इसी तरह वेरिएबल वन में से वेरिएबल टू की वैल्यू माइनस करनी है, इसी तरह वेरिएबल वन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल टू को, ये दूसरा प्रोग्राम हो गया। और तीसरा प्रोग्राम आपने बनाना है कि इसी तरह डिवाइड करना है वेरिएबल वन जो है और वेरिएबल टू को उसके साथ डिवाइड करना है। तो ये आपके तीन प्रोग्राम ये आपने बना के और इसी वीडियो के कमेंट में आपने कोड लिख के मुझे दिखाना है। तो इस तरह मुझे फिर ये है कि आपकी प्रोग्रेस का भी पता लग जाएगा। तो हमारी वीडियो जो है वो तकरीबन 15 मिनट से ऊपर की हो गई है, और इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि ये वीडियो 20 मिनट से कम की ही हो। तो अभी हम इसी चीज़ पे रुकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे हम ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ चलेंगे। तो अभी चंद मिनटों में मैं आपको प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं। आपने एक तो ये प्रोग्राम बनाना है, उसके बाद ये तीन चीज़ें नोट कर लें, तो फिर मैं ये वीडियो क्लोज़ करता हूँ। उसमें एक चीज़ है सीक्वेंस। तो इसमें सीक्वेंस ये है कि आपको जो चीज़ पहले लिखनी चाहिए वो पहले ही लिखें, जो बाद में लिखनी चाहिए वो बाद में ही लिखें, यानी एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो जो चीज़ जो कोड बाद में लिखना चाहिए वो अगर आप पहले लिख दें तो ज़रूरी बात है फिर रिज़ल्ट आपके गलत आएंगे। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस। तो जिस भी बंदे में कॉमन सेंस है, 2 जमा 2 वो 4 कर सकता है, वो प्रोग्रामिंग सीख सकता है। तो दूसरी बात यह है कि सीक्वेंस पहली हो गई, दूसरी सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में ये है कि आप का कोड, अभी तो हम एक लाइन में कोड लिख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ कोड की एग्जीक्यूशन हो रही है। कभी कभी ये होता है कि आपको कोड को दो हिस्सों में, शाखों में तकसीम करना पड़ जाता है कि ये अगर सूरत हाल है तो ये वाला कोड चले, अगर ये दूसरी सूरत हाल है तो ये वाला कोड चले, तो उसको हम सिलेक्शन कहते हैं। और तीसरी चीज़ आ जाती है आइट्रेशन, लूप्स भी कहते हैं, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको बार बार करनी होती हैं। तो ये तीन चीज़ें आप अच्छे से सीख लें तो आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो आगे हम फिर इंशाल्लाह ताला ये सीक्वेंस तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ये तो अभी तक हम जो काम किया है वो सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए किया। सिलेक्शन का हम सीखेंगे, फिर आइट्रेशन सीखेंगे, और फिर कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स करेंगे जिसकी वजह से हमारी प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो बूस्ट हो जाएगी। उसको फिर आप किसी भी लैंग्वेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को हमारे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।